मिल रही है। और ये रही अपनी गाड़ी, और यहाँ पे ना 4:30 बजे खुलता है मंदिर, तो बहुत अफसोस की बात है 4:30 बजे खुलेगा मंदिर। कैसे हो मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और आज मेरा मथुरा आया हूँ वृंदावन में, तो थोड़ा मैं मिस्टेक हो गया तो इसके लिए सॉरी। और एक चीज मैंने देखी है जो कि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, और ये व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग को सब बातें बताता हूँ। पहले आप लोग ये देखिए, मैं फर्स्ट टाइम इतना करीब से हेलीकॉप्टर देख रहा हूँ, ये देख सकते हो सामने। और ये इसके सामने ना ये कैंटर को देख सकते हो कि कितना छोटा लग रहा है ये कैंटर। मैं सोच के हैरान हूँ कि मतलब कि अभी मैं रास्ते से जा ही रहा था, और वृंदावन यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर होगा, मथुरा यहाँ से होगा 25 किलोमीटर दूर। तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा था साइड ट्रांसपोर्ट में, जो कि अपना फरीदाबाद में है। तो मैं मथुरा आया था अपने दोस्त का घर का सामान लेके, तो खाली कर दिया, और उसका व्लॉग मैं नहीं बनाया, सॉरी गाइस। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि वो लोग ना उनकी वाइफ थी और उनकी सिस्टर थी जो कि मेरे साथ बैठी थी, जिस कारण मैं वो व्लॉग नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी। बट ये व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतना अमेजिंग व्यू है। और आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पुलिस वाले ना मुझे ही देख रहे हैं, और मेरे को लगता है कि अब ये मेरे पास आएंगे शायद, कोई बात नहीं आने दो, तो देखा जाएगा। बट और ये देख सकते हो कि हेलीकॉप्टर कितना औसम लग रहा है, और इसके सामने ना ये देखो कितना छोटा लग रहा है अपना कैंटर, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। एक लाइक तो बनता है इस हेलीकॉप्टर के लिए। और ये व्लॉग कहीं से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ जो कि पेठा बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो मैं किसी शॉप से पेठा पुठा लूँगा, तो आप लोगों को रेट भी वगैरह बताऊँगा और टेस्ट कैसा वो भी बताऊँगा। तो इस व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग काफ़ी अमेजिंग बनने वाला है, क्योंकि शुरुआत ही भाई बहुत महंगे चीज़ से हुई है, हेलीकॉप्टर से। देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है, पक्का देख सकते हो इतना करीब से। क्या आप लोगों ने भाई लोग देखा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कह दीजिए कि हाँ भाई मैंने देखा है। तो ये इलेक्शन का टाइम है मेरे ख्याल से, तो ये मेरे ख्याल से कोई मंत्री वगैरह आएगा तो उसके लिए अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये इतना खंडर इलाके में, और ये जहाँ पे है हेलीकॉप्टर ये इतने खंडर इलाके में क्यों होगा। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए, तो इस वीडियो को ब्लॉग को यहीं पर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और साइड ट्रांसपोर्ट पे मिलते हैं, फिर वहां से देखते हैं क्या लोडिंग होता है, क्या भाड़ा मिलता है अपने को, सब कुछ बताऊंगा, कहाँ का मिलता है वो भी बताऊंगा। और पेड़ा जो यहाँ का मशहूर चीज है, आप कभी भी आना तो लेके जाना, मैं भी चलता हूँ देखता हूँ कहाँ पे मिलता है, क्योंकि आज इलेक्शन है, यहाँ पे वोट पड़ रही है, जिस कारण दुकानें वगैरह बंद है, तो हो सकता है क्या पता मुझे भी ना मिले। तो बने रहिएगा व्लॉग में, और देख सकते कितना अमेजिंग लग रहा है यार, एक लाइक तो बनता है। देख सकते हैं कितना औसम कलर वगैरह किया गया है, प्रिंटिंग वगैरह, और देख सकते हैं ये पुल ब्रिज है, ये पुल के भी साइड साइड देखिए कमल का फूल वगैरह किया गया है, ये सारा वृंदावन है। और बहुत ही औसम व्यू है यार, मतलब कि ऐसा है ना कि इसको भी नेचर के साथ जोड़ दिया इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। भैया अजय देवगन जी आ गए अपने कमला पसंद लेके, बोलो जवान केसरी, कमला पसंद खाओ और मस्ती में झूम जाओ। भाई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सब लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। कमला पसंद जो भी गुटखा खाने वाला बनता है, मैंने एक चीज नोटिस किया ना भाई, गुटखा खाने का ताकतवर बन जाता है पूरा, जितना बड़ी जितना काम कराओ गुटखा देने से। मजाक कर रहा हूँ भाई, लोग थोड़ा बहुत मजाक भी चलता है। देख सकते हैं मैं वृंदावन के सामने हूँ, प्रेम मंदिर ये देखिए लिखा हुआ है, तो बोलिए जय श्री कृष्णा, और आप सभी के सभी मुरादें पूरी हो। और मैं यहाँ से गाड़ी में से उतरने वाला हूँ, और ये देख सकते हो यहाँ पे जो स्वीट्स हैं, जो भी यहाँ पे चाहिए वो है यहाँ पर, देखते हैं कौन सा स्वीट हमको पसंद आता है तो वो लिया जाएगा, पहले स्वीट लिया जाए उसके बाद यहाँ पर। और तो ये है वृंदावन का मशहूर पेड़ा, किस चीज़ का बनाते हो भैया ये? मावे का, देख सकते हो। तो भाई लोग ये अपनी गाड़ी खड़ी है, और सामने वृंदावन है भाई, मज़ा आ गया गेड़ा लगा के आज। तो आपका भाई ये लेके जाने वाला है, आप लोग के लिए भी है ये, तो यहाँ से पैक करवाते हैं फिर चलते हैं। तो देख सकते हो ये ताज़ा ताज़ा अभी पैक हो रहा है, इन्होंने अभी अभी बनाया है, तो जस्ट अभी पैक कर रही है। तो आप कभी भी वृंदावन आए तो इसको पैक जरूर करवाएं, 400 रुपये किलो है बस, ज़्यादा नहीं। और खाने के बाद तो टेस्ट भाई अलग ही है, महाप्रसाद।
मतलब कि ये प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है लगता है मुझे। प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है क्या? अच्छा, तो मैं तो भाई अंदर जा नहीं सकता क्योंकि अपना तो हालत ठीक नहीं है, देख सकते हो। तो ये देख सकते हो ले लिया मैंने, बाबा जी आगे राधे राधे करते हुए। नहीं बाबा जी नहीं, हमें नहीं चाहिए। ये मैंने दो डब्बे ले चुके हैं और एक मेरे दोस्त का एक मेरा है, तो क्योंकि भाई दोस्तों से भी पूछना जरूरी होता है। बाकी सबसे पहले तो आप बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भाइयों को, मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे दिल के टुकड़ों को, जितने भी मेरे भाई मुझको सपोर्ट करते हैं ना। तो भाई मेरी किस्मत बहुत खोटी है यार, बहुत ज़्यादा। मैं बाहर से ही जा रहा हूँ, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ना मंदिर को क्लोज किया गया है, पता नहीं किस रीज़न से, मैंने अभी देखा ये, और श्रद्धालुओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे गेट लगा हुआ है, सामने बैरिकेड लगा दिया गया है। बाकी भाई बहुत खूबसूरत है यार, ये देख सकते हो, वाह, दिल खुश हो गया, अमेजिंग यार। ये राधे राधे सभी को भी मिल रही है। और ये रही अपनी गाड़ी। और यहाँ पे ना 4:30 बजे खुलता है मंदिर, तो बहुत अफसोस की बात है 4:30 बजे खुलेगा मंदिर। ओ भाई मैं मिठाई वगैरह ले लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। और बहुत दुख से कहना पड़ रहा है भाई कि मंदिर बंद है, 4:30 बजे खुलेगा। अभी बज रहे हैं 1 बज रहे हैं शायद, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, 1 बज रहा है, 1:15 हो रहा है। तो जिस कारण मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, और बहुत अफसोस है यार कि हम लोग पास में होके भी दर्शन नहीं कर पाए। तो बोलो जय राधे राधे, शाम मिला दे, ए शाम बाबा, हमारे सारे मुरादे, हमारे दोस्तों को खुश रखो, मेरे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं इनको खुश रखो। मैं दुआ करता हूँ कृष्णा जी से, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, सबको खुश रखे मेरे कृष्णा महाराज। और कमेंट में जाके लिख दीजिए जय श्री कृष्णा महाराज की। तो आप कभी वृंदावन में आए हैं कि नहीं, वृंदावन में आए हैं कभी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और इस ब्लॉग को यहीं से जारी किया जाएगा। अब जा रहा हूँ मैं सीधे अब फरीदाबाद, क्योंकि यार भाई मैं लेट हो गया ये वीडियो बनाने के चक्कर में, और मैं थोड़ा सा दर्शन करना भी चाहता था पर मैं सही नहीं था, नहाया धोया नहीं हूँ, और मंदिर हो चुका है बंद, बिल्कुल क्लोज हुआ पड़ा है। तो देख सकते हो मंदिर काफ़ी बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे जो पेड़ा है ना भाई, मेरे को किसी ने बताया, पेड़ा मशहूर तो है पर यहाँ के लोग, जो चूड़ी बेच रहा था मैंने उससे पूछा, यहाँ के लोग ना थोड़ा ठगी करते हैं। ठगी मतलब क्या होता है कि पेड़ा का मतलब कि मशहूर तो है, ये सबको पता है, इसीलिए उसका नाम लेके ना गलत चीज़ बेचते हैं। तो जिस कारण हम लोगों को तो पता नहीं भाई, हम लोग तो प्रवासी हैं, अब यहाँ पे हम लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट हैं, तो जिस कारण हमें नहीं पता। चलो फिर भी ऊपर वाला भगवान तो देखता है, हमारे राधे कृष्ण तो देखते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारा बुराई कोई क्या करेगा यार, जब ऊपर वाला हमारा साथ है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं वृंदावन से, प्रेम की नगरी से निकलते हैं यहाँ से। मजा आ गया यार, सच बताओ ना भाई, कभी कभी ऐसे भाड़े मिलते हैं ना जो, और दिल खुश हो जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आप लोग को काम भी मिला और ऐसी जगह चले गए हो जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो? मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ वृंदावन में, और कसम से बोल रहा हूँ दिल खुश हो गया कि यार प्रभु से प्रेम करने का मजा ही अलग है यार, आप भी करके देखो। तो सभी दोस्तों को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, राम राम मेरे भाइयों को। तो ये ब्लॉग को स्टार्ट किया जाता है और चलते हैं फरीदाबाद, देहरादून का बहुत नाम आता है क्योंकि मेरे को देहरादून से प्यार ज़्यादा है, तो फरीदाबाद फटाफट चलते हैं और वहाँ से देखते हैं लोडिंग मिलता है कि नहीं। अब थोड़ा सा 80 के स्पीड में जाऊँगा, तेल का प्रवाह बिना करते हुए, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। आया था और दिल्ली हाईवे पे चढ़ने वाला हूँ, उससे पहले मेरे को ये देखिए कितना खूबसूरत मूर्ति दिखी है, और माता जी की मूर्ति देख सकते हैं कितनी बड़ी है। तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता रानी आप सभी का भला करे। और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ और आप लोगों को चलते चलते व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा सा इस लेफ्ट राइट साइड में देख लूँ कोई गाड़ी तो नहीं ना आ रही है, और
कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, तो निकल चुका हूँ। और मंदिर शायद आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी नहीं हो रही है, बट बहुत खूबसूरत मंदिर है भाई, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे देख सकते भीड़ भी बहुत है, और यहाँ पे भी एक ही प्रॉब्लम है लगता है, अभी मंदिर खुला नहीं, खुला है कि नहीं खुला है आइडिया नहीं है, पर बहुत प्यारा मूर्ति है यार, बहुत प्यारा मूर्ति बनी हुई है, बहुत प्यारी। यहाँ से काफ़ी दूर है पलवल और अपना फरीदाबाद। यार भाई सच बता रहा हूँ, कल रात को ना बिल्कुल सोया नहीं था और अभी भी नहीं सोया हूँ, जिस कारण मुझे बार बार नींद लग जा रही है यार, बहुत मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाने में, और कभी कभी तो ऐसा सीन भी आ रहा है कि भी आँख बंद हो जा रही है, गाड़ी चल रही हो। बस वो भगवान साथ में रहते हैं ना, इसीलिए आपका भाई सलामत रहता है, वरना चलो ज़्यादा फालतू नहीं बोलना चाहिए। और फरीदाबाद 47 किलोमीटर रह गया, सामने बोर्ड लिखा आ गया, तो चलते हैं कैसे करके यार, देखते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ ट्रांसपोर्ट पे जाके सोना सही रहेगा। तो देख सकते हो फरीदाबाद 47 किलोमीटर रह गया। तो दोस्तों ये देख सकते हो मौसम भी बारिश का हो चुका है, अब मैं पी रहा हूँ यहाँ गन्ने का जूस, और ये अंकल जी बना रहे हैं, इनको बोला मैंने अंकल जी गन्ने का जूस पिलाओ। और सच बता रहा हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा, कभी कभी नींद इतनी तगड़ी आ रही है, क्या बताऊँ, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा बाहर आना है। यहाँ से रह के 11 किलोमीटर अपना क्या कहते हैं साइड ट्रांसपोर्ट, मेहनत करते हैं ना ये गन्ने वाले भाई, इनके लिए भी यार एक लाइक होना चाहिए। तो आ गए रस, अब इसको पी रहे हैं, मज़ा आ गया, काफ़ी स्वाद है। गर्मी में यार ठंडा चीज़ पीने का ना मज़ा अलग है। तो आप लोग भी ज़रूर पिया करें। तो इसको बोलते हैं दोस्तों किस्मत, अभी आया ही था और तुरंत ही गेड़ा मिल गया, इसको कहते हैं किस्मत, अभी तुरंत ही मिल गया, तुरंत, थोड़ा भी वेट नहीं करने पड़ा। बंदा जा रहा है, इसको जा लेने दो। ये सामने रही फैक्ट्री, यहाँ से होगी लोडिंग, और अब जा रहा हूँ सोने क्योंकि नींद आ रही है। अभी माल होने तैयार हो रहा है और तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये रही अपनी गाड़ी, यहाँ पे है गंदा नाला पास में, गाड़ी कहाँ खड़ा करूँ यार, जहाँ ठंड हो सो भी सकूँ। ठीक है, मुझे लगता है मेरा चक्का पंचर हो रहा है, नहीं दबा हुआ है। तो चलो भाई, आते ही तुरंत आपके भाई को गेड़ा मिल गया, तो गाड़ी लगाते हैं वहाँ पर, वहाँ सोते हैं। रही थी यार इसलिए पंखा ऑन किया, थोड़ा सा आवाज़ खराब आएगा आपका, दिक्कत ना पड़ जाए कोई। और उसके बाद पंखा का जो आप लोग को वीडियो चाहिए जो पंखे की, तो मैं ये देखो आई बटन पे दे दे रहा हूँ, आप लोग जाके वो वीडियो को पूरी देख लो, आप लोग खुद भी लगा सकते हो फिर पंखा। ठीक है भाई, लोग गाड़ी वगैरह लोड हो गई थी अच्छे से, बट अब एक प्रॉब्लम पड़ गई है, ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें जो माल जाने वाला है वो रात में आएगा, तो इसलिए आपको मतलब कि सैटरडे को, मतलब कल को निकलना पड़ेगा। अब कल को निकलेंगे, अब वहाँ पे खाली होगा सोमवार को, क्योंकि एतवार को होगी फैक्ट्री वो बंद, क्योंकि सरकारी फैक्ट्री है, रेलवे का सामान नहीं है। कपूरथले जाना मेरे को मिले थे 8,500 रुपये, अब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है आपके भाई को। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मॉर्निंग में तो जाना है, एक रात ही गुजारनी है, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 रुपये पड़ रहा है, कोई माड़ा नहीं है। पर यह है कि कल जाते ही गाड़ी खाली हो जाती, पर बढ़िया हुआ क्योंकि अब मेरी नींद पूरी हो जाएगी रात, तो अच्छा बात हुआ। तो अब पीछे चलते हैं, तिरपाल तुपा सर उसका मारते हैं, और कल मॉर्निंग में निकलेंगे कपूरथले के लिए। देख सकते हो मौसम पूरा बारिश वाला हो गया है, ढाबे पे देख सकते हो ये रोटी लगने वाली है, दाल मंगवाया मैंने, बाकी सलाद आ चुका है, तो ये दाल आ चुकी है, ये रोटी आ चुकी है, अब तो खाते हैं आराम से। तो रोटी वगैरह खा ली है, बाकी माल हो रहा है तैयार, और मैं आ चुका हूँ गाड़ी पर,
और देखिए वो सामने माल तैयार हो रहा है और सुबह तक तैयार हो जाएगा 10 बजे तक। अब रुकना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो गई यार, मैं दवाई लगता क्या करूँ, बहुत दर्द हो रहा है। आराम से लगता नहीं, सोने के ना वजह से हो रहा है। वह हो चुकी है रात भाई, बहुत मुश्किल से मैंने निकाला, क्योंकि गाड़ी में सोना बहुत मुश्किल है फरीदाबाद में। इतने मच्छर भाई, इतने मच्छर, मेरे ख्याल से बहुत मच्छर थे यार। और मेरे पास ना वो था, क्या कहते हैं अपना, अगरबत्ती थी जलाने वाली, बट मेरे पास माचिस नहीं था। अब रात को मैं माचिस कहाँ ढूंढूंगा, मेरे पास लाइटर था, किसी लड़के ने ना लगता है बीड़ी बूढ़ी पीता वो लाइटर ले लिया, और मैंने लाइटर रखा था कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए। हाल देख सकते हो कैसा बना दिया मैंने गाड़ी का। बहुत बुरा हाल हो गया गाड़ी का अपने तो, पर चलो कोई बात नहीं, फटाफट सेटिंग करते हैं और मुंह फ्रेश होते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे 10 बजे तक। माल तो हो गया है तैयार, देखती हूँ। वो देखिए जो नीले पेंट हुए पड़े हैं ना सामने, वो माल तैयार ही हुए हैं, बस वही लेके जाना है अपने को। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, मैं इसलिए ये सब दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि समझ आए। सुबह पंखा था, सारी रात पंखा चलाया हुआ मैंने, सारी रात पंखा चलाया हुआ, और बीच बीच में गाड़ी भी स्टार्ट किया, मैं कहीं ऐसा ना हो गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो सुबह हो चुकी है, सभी को सुबह को राम राम, बने रहिएगा ब्लॉग में। रात में कितने सारे मच्छर आए हुए थे, जिस कारण ये पंखे ने इसको मार दिया। ये देखिए यहाँ पे खून ही खून लगा है मच्छरों के, अब मुझे इसको साफ़ करना पड़ेगा। इधर भी देखिए कितने सारे मच्छर है, इधर भी देखिए मच्छर है, इधर मतलब पूरा ही मच्छर है, और मेरे ख्याल से इधर कहीं भी होंगे, पर यहाँ पे देखिए इधर भी गिरा है, और ये देखिए जा रहा मच्छर, ये मच्छर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलिए फिर इसको साफ़ ऑफ किया जाएगा यार, गंदगी अच्छा नहीं लग रहा मच्छरों का। दोस्तों अभी माल लोड हो चुका और मैं निकल चुका हूँ, और ये अभी आया है यहाँ पर जेसीबी वाली फैक्ट्री, और मेरा भाड़ा लग चुका है जो कि अब कल भी रुक गया तो इसलिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। तो टोटल भाड़ा हो चुका अपना 9500 रुपये, जिसमें से उसने 400 रुपये कमीशन लिया है साइड ट्रांसपोर्ट वाले ने। और अभी बज रहे हैं अपना दोपहर के 1 बज गए हैं, और अभी निकल रहा हूँ, और जाते जाते काफ़ी टाइम लो हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो वजन हो गया है एक तरफ ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने 4 सिलेंडर और रखे हैं, एक तरफ ही रख दिए सारे, तो जिस कारण वजन हो गया थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ से निकल रहे हैं और फरीदाबाद से निकला जाए, और एक तरफ कुछ ज़्यादा झुक गया है, देख सकते हो पूरा ज़्यादा गाड़ी झुक गया यार, क्योंकि सारा वजन ही एक तरफ हो गया, अब दिक्कत होगी मुझे। चलो कोई बात नहीं, इतना होता रहता है। तो यहाँ पर मैंने डलवाया 1900 रुपये का तेल, और देख सकते हैं 3 डंडे आ चुके हैं, पहले नहीं था। तो यहाँ से निकलते हैं, तेल डलवा लिया मैंने, अब मैंने इसलिए इतना कम में डलवाया क्योंकि यहाँ 87 रुपये कुछ पैसे है, 88 रुपये, और हमारे इधर 87 रुपये है। तो चल निकलते हैं यहाँ से, सामने आ चुका है मेट्रो, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और मैंने सीट बेल्ट पहनना भूल चुका हूँ, तो इसलिए पहले सीट बेल्ट पहना जाए। मैंने सीट बेल्ट पहना और सामने आ चुका है इस टाइम अपने, और क्या कहते हैं अपना इसको क्या बोलते हैं, मेट्रो, मेट्रो स्टेशन आ चुका है। मेट्रो बनाने के लिए भी काफ़ी पैसे लग जाते हैं ना, देख सकते हो कितनी बिल्ड क्वालिटी से बनाया जाता है कि नीचे रोड भी ना बंद हो ऊपर स्टेशन बन जाता है, कमाल है। पर मेट्रो आज तक जहाँ पे भी बना है ऐसे सिस्टम ही बना है कि भाई जगह को कवर नहीं किया जाता है, देख सकते हो भरपूर जगह होती है, देख सकते हो कितना गजब लग रहा है ये मंदिर अपना है। देखो हनुमान जी की मूर्ति है, हर बार ही आता तो आप लोग को यहाँ से दिखाता हूँ, बहुत अमेजिंग है। आप लोग निकल चुके हैं इस रास्ते, अभी KMP की तरफ जा ही रहा था मैं, और देख सकते हो रास्ते में ये रास्ता तोड़ रहे हैं लोग, बनेगा क्या ये जो आप लोग देखते ही होंगे मौजपुर की तरफ जो रोड जाता है, कि मैं फरीदाबाद से मौजपुर की तरफ तो रास्ता टूटा हुआ था, वो बन भी गया है थोड़ा बहुत, फिर ये लोग तोड़ना स्टार्ट कर दिया, देख लो पता नहीं क्या रीज़न है। और यहाँ पे जाम बहुत दूर तक लग गया है, देखिए क्या से तोड़ा जा रहा है बावरेशन से JCB।
तो आगे से कोई गाड़ी आ नहीं सकती क्योंकि एक ही लाइन रह गया है। मेरे को लगता है सारा टूटेगा ये। जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है यार, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। देख सकते हैं किस प्रकार से, मतलब कि पूरा ही जाम लगा हुआ है। एक तरफ तो बिल्कुल ही जाम लग चुका है और ये लोग गाड़ी भी बंद करके अभी रुके हुए हैं क्योंकि भाई क्या किया जाए, और कोई कारण भी नहीं है ना अपने पास। ओके, KMP पे यहाँ पे लगेगा टूल, तो यहाँ से निकलेंगे। तो टोल कट चुका है तो यहाँ से निकल रहे हैं। ये पुलिस सर है, तो पीछे पुलिस खड़ी थी जिस कारण मैंने कैमरा छुपा दिया था, वो वहाँ पे खड़ी है टोल पे ही रिश्वत लेने के लिए या कुछ करने के लिए। यार KMP का एक मुश्किल है, जो मतलब कि 250 किलोमीटर का सफ़र हो फिर बंदा क्या करेगा, क्योंकि यार देख सकते हो ये बिल्कुल ना पेड़ है ना पौधे हैं, मतलब कि गाड़ी के साइड में उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी हमने जाना ऊपर, तो हमने ऊपर चढ़ना है इस साइड, तो बाकी पलवल के लिए जाना या किसी और जगह जाना तो नीचे उतरना है, तो हम लोगों ने इस तरफ से जाना है। देख रहे हो KMP चढ़ा नहीं, खटपट खटपट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये पंगा है, गर्मी है कि यार पानी बार बार भरना पड़ रहा है, और ये अब काम कर रहा है थर्मस अपना। और देख सकते अपनी गाड़ी है, ये रहा पेट्रोल पम्प, तो यहाँ हाईवे से नीचे उतर के फिर यहाँ से भर रहे हैं पेट्रोल पंप। और यहाँ पे बारिश का मौसम हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ा किया मैंने, पानी वगैरह भर लिया, तो यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा सा यार ठंडी हवा आ रही है इसलिए बाहर खड़ा हूँ। हालात देख सकते हो यार, गर्मी बहुत बुरा हाल हो जाता है। रोड का काम चल रहा है और यहाँ पे इन लोगों ने गाड़ी के ऊपर ये लाइटिंग लगाई हुई है, जो कि पास से बहुत नॉर्मल लगता है पर दूर से बहुत ज़्यादा हाई इसकी रोशनी है, और काफ़ी अमेजिंग चीज़ें लगाते हैं यार। मानना पड़ेगा जो टोल हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है ना, तो फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलता है ना, हमें इस रोड पे कोई बाइक मिलती है ना कुछ मिलता है। अपने साइड में चले जाओ पहले, क्योंकि हमारी साइड है ये बीच वाली चला सकते हैं या इस साइड, तो काफ़ी अच्छी बात है यार। मतलब कि हाईवे में जो हम लोग टोल ज़्यादा दे रहे हैं तो उसके फ़ायदे भी हमें बहुत मिलते हैं। देख सकते हैं अपना कनाडा का झंडा है, और अभी मैं रुका हूँ यहाँ हाईवे पे तो बाथरूम करने के लिए, तो बाथरूम कर लिया जाए। वाह, मौसम देख सकते हैं कितना असर गजब हो गया। तो अभी मैंने दोस्तों इसलिए रुका है, कम से कम 100 किलोमीटर में आ गया और टायर हो गए हैं गर्म। और ये देखो, ये काला पड़ने का मतलब यही होता है, जो बिल्कुल एक रंग का काला हो जाए तो इसका मतलब यही होता है कि टायर ज़्यादा गर्म हो गए, आप रोक दो, बिल्कुल गर्म है। इसका रोकने का फ़ायदा ये है, नुकसान नहीं होता अपना, फायदा ये है, रोकने का फ़ायदा ये होता है कि जो बाई चांस पंचर वगैरह हो गया। प्लास निकाल लिया, 100 किलोमीटर चलने के बाद ये होता है ना, थोड़ा टायर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट मिल। ये देखो कितना नरम हो गया, ये देखिए ये दब रहा है, देखिए आप लोग, अब ऐसे नहीं दबेगा, ये देखिए दब रहा है ना, ये देखिए कितना ज़्यादा दब रहा है। ये टायर जब गर्म हो ठंडे हो जाते हैं तो दबता है, जब टायर गर्म हो जाएंगे तो नहीं, ठंडे हो जाएंगे तो नहीं दबेगा, गर्म रहेंगे तो दब जाएगा, तो ये रीज़न है इसलिए मैं रुका हूँ। अमेजिंग लग रहा है भाई, देख सकते हो कितनी तेज ये चलता है हाईवे। एक भाई और आगे लगता है, ये भी यहाँ पे रुकेगा। तो भाई ये वीडियो कहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है जिस कारण आप लोग यार ये वीडियो को वॉच करोगे नहीं, तो इस वीडियो को एक लास्ट तक खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो तक, लिए बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा।